तरावी जो है वो आठ पढ़नी चाहिए कि बीस? ये तरावी आठ या बीस, ये सवाल है आपका। ये कितनी पढ़नी चाहिए, आठ या बीस? यही पूछ रहे हैं ना, क्या आठ पढ़नी चाहिए या बीस पढ़नी चाहिए? हाँ जी जी मैम, तरावी के रकात के बारे में आप पूछ रहे हैं कि आठ चाहिए या बीस चाहिए, तो इस बारे में जिस बात को सारे अहल इल्म जानते हैं, बेशक वो अपनी मसल की वजह से जाहिर करें या ना करें, वो ये है कि सुन्नत नबी जो है ना, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का अपना तरीका, वो सारे मानते हैं कि आठ चाहिए। बाद में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के दौर में बीस भी पड़ी है, और इससे ज्यादा भी मस्जिद नबी में 36 की जमात भी होती है, और कई लोग ने इससे ज्यादा फिर 47 भी पढ़ी है, क्योंकि नवाफिर है ना मेरे भाई, नवाफिर रात सारी आदमी पढ़ सकता, मना नहीं। इसलिए शाह अकबर जैसे फरमाते हैं, अगर कोई इतबा की नीयत रखता मैं तो हजूर की पैरवी कर, उसके लिए तो मैं आठ लंबी पढ़े, आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, और अगर कोई सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के तरीके पर भी अमल करे तो वो भी कोई बेहतर खराबी नहीं। इस मसले को मुनाजरे और बहस का नहीं मौजू बनाना चाहिए कि इश्तिहार छपे लड़ाई हो, न पढ़ रहे आप जितने पढ़ सकते हैं। सुन्नत 11 तीन विटर और आठ रखकर जमाना रसूल करीम कितनी पढ़ाते हैं, जो टेलीविजन पे दिखाते हैं मस्जिद नबी में जब शुरू हुई थी ना, आप बहस ना करें, उस वक्त हजरत उमर रज़ी ने हुक्म दिया था ना, वो आज की किताबों में दर्ज, आपने साफ कहा था हजरत उबैद बिन काब रज़ी अल्लाह को और तमीमे दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, अय्युम्मा लिन्नास बेहद आशरा रखे, लोगों की जमात कराओ 11 रखें तीन वितर, और यही शुरू हुआ। बाद में ठीक है, पढ़ते पढ़ते मैंने अर्ज किया 16, 20, 24, 32, आप नजर बाड़ी उठा रहे हैं, नजर कोई किताब भी देखें, किसी एक बात पर इत्तेफाक नहीं। और इसीलिए इमाम जमदी फरमाते हैं, इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह ने कहा कि इस बारे में कोई हद मुकर्रर नहीं की गई, जो आदमी चाहे जितने नफर चाहे पढ़े, मगर सुन्नत नहीं कह सकता। कितने पढ़े हैं साहिब फतुल कबीर इमाम हम्माम हनफी रहमतुल्लाह और साहब राय को, कहते हैं खुलासा यह है सारी बहस का कि अगर सही टर्म इस्तेमाल करें ना, तो आठ को सुन्नत कहना चाहिए, इससे आगे जाना उनको मुस्तहब और नफल कहना। साफ लिखा कि जब रसूलुल्लाह से आठ ही चाहें तो सुन्नत का इतराज उसी पर हो, ये कोई झगड़े की बात है। आप बेशक 20 पढ़े, मैंने तो कह दिया ये कोई बिलत नहीं, कोई मराई नहीं, पढ़ सकते हैं, मगर जिस तरह 20 पढ़ रहे हैं ये मस्जिद नबी की तरह अपनी तरह इंसाफ करें। वहां जैसे कुरान भी पढ़ा जाता है, कैसे मौजूद हैं, ठहर ठहर कर हो गया, हर चीज हो जाती है। यहाँ तो लोग तलाश करते हैं कि वो मस्जिद ढूंढे जहाँ जल्दी से जल्दी तरावी करना, और इस तरह कुतरते हैं। आप अगर हाफ़िज़े कुरान दिया तो अल्लाह को गुआ करके बताएं, जब वो या मून मून करता कोई पता नहीं चलता कि हम अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई समझ नहीं आती कि ये कारी साहब क्या पढ़, ये कुरान चलावत हो रहा, ये बीच रखते हैं। तो इसकी बजाय अगर कोई रोज पढ़े तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में भी हजरत शेख अब्दुल हक मौलवी जलील रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग ये नियत रखते थे कि हमें रखते हैं ज्यादा नहीं चाहिए, हमें तो हजूर की तारी थी, वो उस वक्त भी आठ ही पढ़ते हैं। इसके जितने भी चाहे हमारे में 500-700 साल इतने बड़े भरी हुए हैं शेख अकबर मौलवी बिन अरबी, वो अर्जू आसल मतिया में रखते हैं कि भाई पैरवी करनी है रसूल्लाह की कर आठ पढ़ो, और आज ज्यादा नफर पढ़ना चाहते नफर समझ कर पढ़ो, सुनत ना पढ़ो।